News 21 खबर सबसे पहले। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग इससे आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाले अब आएगा खाने में असली स्वाद। बदायूं के बिसौली में आज अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस पर फैसला आने के बाद नगर में भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सदस्य चंद्रेश सक्सेना ने कहा सत्य की जीत हुई है। बताते चले अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले को लेकर नगर में प्रशासन ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए थे। फैसला आने के बाद इसी को लेकर भाजपा व आरआरएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम को नगर के लोगों में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर प्रदीप नीरज, देवेंद्र सिंह, ललित राजन मिश्रा, हिमांशु सिंह, राजेश राणा, आदित्य प्रिंस भट्ट, पुष्कर माधव, रूपेंद्र आर्य आदि लोग मौजूद रहे।